देखो बारिश आ गई। आज भी नैनीताल जाना रह गया क्योंकि गाड़ी भी, मेरी जो डस्टर है वो हो चुकी है खराब। उसके पीछे के दोनों टायर स्लिप कर रहे हैं क्योंकि पाला वाला पड़ा होगा तो फिर फायदा नहीं रहेगा, गाड़ी स्लिप करेगी। तो सोचा था बाइक लेके चले जाऊंगा और जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, पर आज बारिश चली हुई है तो फिर नैनीताल जाना भी कैंसिल हो गया। मेरे प्लानों का पोपट बनते रह रहा है, पता नहीं कब हो पाएंगे मेरे काम। देखो अब, और जबकि सुबह तो आज भी हम जल्दी उठ गए थे, पूजा पाठ करके रुचि को मार्केट तक का छोड़ के आए, वहीं से एसडीएम कोर्ट में थोड़ा सा 2 मिनट बैठा, चाय वाय पी दोस्त लोगों के संग, साथी अधिवक्ताओं के संग, फिर मैं आ गया इधर को। आया तो देखा बारिश आ रखी थी। चलिए देखते हैं अब क्या होता है आगे। 12 बजने को है, मौसम ऐसा लग रहा है कि 12 ना बजे होंगे। वो देखो उधर दूर छोटा टुइया भी आ रहा है भागते हुए, थोड़ा बारिश हल्की हुई है ना तो इसलिए, पर यह कि बारिश भीगने लायक है। और रुचि ने बाहर आज जो कपड़े डाले थे ये सब भीग गए हैं, शायद फिर से ड्रेन करने पड़ेंगे हमें ये ड्राई। और इधर से देखो वो लोगों ने दूध तो पीते हैं, बेचारे गाय को छोड़ जाते हैं, इस गाय के संग इसकी बच्ची भी है देखो, वो है गले में रस्सी भी बंधी हुई है, ऐसे ही छोड़ गए हैं वो बेचारी। वहाँ पे दीवार का सहारा लेके खड़ी हो गई है कि भीगू ना, पर बारिश तो ऊपर से पड़ रही है ना। यार गाइस पता है, जैसे जैसे हम लोग मतलब सभ्य तो क्या भोग विलास की तरफ को बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे बड़े बड़े घर ये सब चीज़ें, तो वैसे ही हमारे अंदर की फीलिंग्स ही मरते रह रही हैं। पहले होता था कि गौ माता नंदी महाराज आते थे तो लोग कहते थे कि यार देखो शिव जी के नंदी आ गए हैं, वो नंदी महाराज आए हैं और तो ये खाना दो वो खाना दो, जूठा खाना गाय को मत दो। अब तो कंडीशन ये है कि हमने खुद ही कर दिया है तो हम, मैं औरों को भी ब्लेम क्या करूँ। ये देखिए हमने तार बाड़ किया हुआ है, वो चोरी चोरी वहाँ से खा रहा है बच्चा मुंह डाल। तो गाइस ना कल हम जैसे बोल रहा था, मैं बातें कर रहा था कि हमने खुद तार बाड़ लगाई है कि यार गाय जो है घूम रही है, जो ये लोग हमारी फसलों को ना खा जाए। रात को भी आ रहे हैं नंदी महाराज, काफी सारे झुंड झुंड में आ रहे हैं और गेहूं वेहूं सब खराब कर जा रहे हैं। अभी याला जो गेहूं लगाया इसकी बालियां खा गए थे ऊपर से, पर यार फिर क्या करें, साजी नाराज हो रहा था। फिर मैंने बोला यार वो लोग तो खाएंगे ही खाएंगे, वो बोला था मालिक हमें नुकसान हो जाएगा ये वो। अब यार क्या करें, मतलब अंदर से फीलिंग तो आती है कि यार इतने, मतलब ऐसा कुछ होता ना कि 1 बीघा इन्हीं के खाने के लिए छोड़ दी जाती, उसी में घास वास उगती, जानवर आते खा के चले जाते खाली। या फिर जैसे गवर्नमेंट लोग, इतने पार्क हैं, कोई पार्क में ना छोड़ा होता ऐसा खाली, सब जगह फूल पत्तियां लगा दी हैं, कहीं पे छोड़ देते। मार्केट के जो जानवर वानवर हैं, जैसे डॉग्स के लिए भी लोग काफी सारे एनजीओज लगे हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो गाय बछड़ों पे ही काम करते थे, जो कुत्ते बिल्लियों पे करते हैं काफी सारी हैं। मेघना है हमारी एक, मेरी मुंह बोली बहन है मेघना बोरा, उसका है सहारा करके, और एक रिया है अपनी बनकोटी, अब तो उसकी शादी होगी बिष्ट लोगों में शायद, तो उसका भी है। और तो क्या कहते हैं केयर फॉर एनिमल करके, और एक दो लोगों के और हैं, पर वर्क जो करते हैं यही दो ज्यादा करते हैं। डॉग्स में, डॉग कैट्स में बहुत ज्यादा वर्क यही करते हैं। होने को एक हाउल भी है पर उनका मुझे सुनाई नहीं देता ज्यादा नाम तो। और एक हमारी आश्रय करके भी एक और है, उसमें भी होता है, जिसमें हम लोग, मतलब वो हमारा ही विंग थी पहले, फिर हम लोग अलग हुए तो फिर वो सबको नाम अपना चाहिए होता है, तो उस वो टीम मेंबरों ने अपना अलग से टीम का नाम आश्रय रख दिया। तो वो काम ये लोग कर रहे हैं सभी लोग। तो मैं सोचता हूँ जैसे ना कहीं पर निगम में एक जगह होती, वहाँ पे गाय बच्चों के लिए भी होता और डॉग्स कैट के लिए भी होता, वहाँ पे पानी की व्यवस्था रख दी जाती और सभी लोग आके थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं राजस्थान गया था बीच में इलेक्शन टाइम पे, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि सब्जी का ठेला वाला घूम रहा था, तो उससे लोग 10-10 रुपए की गड्डी लेके और ऐसे ही छोड़ दे रहे थे। एक स्पॉट बनाए हुए थे अलग अलग से, उन पे रख दे रहे थे, हर गली गली के बाहर से थे स्पॉट। तो मैंने पता किया तो उसमें पता चला कि जैसे कि मान लो 1 रुपया हर दिन का वो लोग जोड़ लेते थे, क्योंकि सब गलियों की ना कमेटी होती है। जैसे हमारी नीलकंठ बिहार है तो इसकी नीलकंठ बिहार
सोसाइटी कुछ इस टाइप से होती है हर की, मतलब होती है वहां को, तो जैसे लोग जोड़ लेते हैं, तो महीने का जैसे मान लो एक मकान से 30 रुपये चले गया, तो ऐसी 20-25 मकान हो गए, 30-30 के हिसाब से बहुत हो जाता है रुपया। तो वो लोग ना जैसे 25 रुपये कुंटल 30 रुपये कुंटल जैसे घास होती है, तो सुबह घास वाला जाके वहां पे डाल जाता है 1 कुंटल घास गली के बाहर से जो गमला ऐसा लगे रहता है उस पे, और गाय बिछा आती है खा के चले जाती है आगे को, तो उनको कूड़ा नहीं खाना पड़ता। और लोगों के पास से पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होते हैं, क्योंकि 1 का 25 रुपये खर्च हो रहा है कुल 1 कुंटल घास से, बहुत ये, क्योंकि ना हर गली के बाहर से घास होती है, तो उसमें एक के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। तो जैसे थोड़ा सा गाय ने यहाँ पे खाया, फिर दूसरी गाय ने नहीं खाया, तीसरी गाय ने भी खाया, 10-12 गाय ने खाया, घास खत्म हो गई, फिर उनका पेट भर गया, फिर दूसरी गाय आई वो थोड़ा और आगे वो बढ़ी, उन्होंने आगे से खाया, ऐसे ऐसे करके सबके पास होती पास होता है। और सभी लोग जो घरों में ऐसे सब्जियां वब्जियां बनाते हैं, तो उनपे से जो सब्जी का वो होता है जैसे छिक्कल विक्कल होते हैं छाट के, उसको अलग कर देते हैं, उनको भी यहाँ रख देते हैं, मतलब उनमें से ये नहीं कि रबर बैंड वबर बैंड डाल के छाट के पूरा अलग करके रख देते हैं, उसको भी खाते हैं। और जैसे हम लोग चूल्हे में जब सभी अपने सनातनी हिंदू भाइयों को पता ही होगा, माताओं बहनों को जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रही हैं, तो पहली रोटी निकलती थी भगवान के लिए, फिर दूसरी रोटी निकलती थी गौ माता के लिए, तो अब हम लोगों ने बंद कर दिया वो निकलना, छोटी छोटी सी खाली एक और मतलब एक उसके लिए निकालते हैं कि हाँ करनी है करके, तो वहां पे लोग ना बड़ी बड़ी रोटियां ही देते हैं, तो उससे भी गाय बच्चों को राशन भी मिल जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो अब मैं भी सोचा था कि यार यहाँ पे भी को भी ऐसी जागरूकता होती, लोग ऐसा कुछ करते कि गाय बच्चों को ना ये ऐसे पन्नियां नहीं खानी पड़ती, क्योंकि लोग हम लोग ने जैसे मान लो मैंने दाढ़ी बनाई ठीक है, उससे जो जिलेट की कोई भी आती है उससे बनाई, और मेरी वाइफ ने मम्मी लोगों ने कूड़ा भी रखा है, मैं उसी पे ही फेंक मैंने कूड़ा फेंक दिया सुबह, काम वाली ने या लोगों ने कूड़ा उसी में डाल दिया, अब वो कूड़ा हमने फेंका ऐसे ही करके, तो गाय ने खा दिया। गाय को थोड़ा ना पता यार बेचारे में ब्लेड भी है, कभी उनकी जीभ कट रही है, कभी कुछ हो रहा है, पेट में जाके रबर बैंड है, जैसे सब्जी के संग रबर बैंड भी आता है, वो रबर बैंड उनके पेट में आ रहा है, तो बीमारियां हो रही है, बहुत सारी चीजें हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग कर दे रहे हैं। और गंदी बात तो यह है कि जो लोग चाह के देख के भी साले अनजान बने हैं, मुर्दों की तरह लाश बने हुए, उन लोगों को देख के, जैसे कि नंदी महाराज को अभी अल्मोड़ा की वीडियो देख रहा था मैं कल, कि पत्थरों से मार मार के वो कर दिया। अब इस आदमी को मैं, अगर कोई एक दो लोग होते, जैसे मेरे संग चंदू था पहले, हम लोग जोगिंदर वगैरह हम लोग जाते उसको पेल के आते, मजा आ जाता, क्योंकि देखिए हम लोग मतलब हमें जॉब नहीं करनी है, कि हमें अगर केस लग गया कुछ हो जाएगा तो हम लोग फ्री हैं, बस हमें चाहिए कि कोई हमारे संग आ जाए, एक अपना दोस्त है रुद्रपुर से प्रथम, वो लोग हम लोग, अगर मैं सोचा था हम लोग अगर आते हैं, हम लोग वहाँ अल्मोड़ा होके आ जाते एक बार, देख के आते कि उसने यार नंदी महाराज को मार दिया। आपने अगर एक छोटा सा वो बताऊंगा, ये महादेव सीरियल देखा होगा, तो उसमें जब ये नंदी महाराज को ताड़कासुर मारता है तब का एपिसोड देखना, कि ताड़कासुर ने नंदी महाराज को, तो ना गाइस मतलब उसमें आप देखना शिवजी भगवान ने फिर ताड़कासुर को क्या क्या बताया, और कितने शिवजी भगवान परेशान हुए थे कि यार उनका सबसे बेस्ट जो बच्चा समझ लो, या अपना वो मानते थे उसको लड़का टाइप का, और वैसे सबसे अनन्य भक्त था है उनका नंदी, हर शिवलिंग के सामने आपको नंदी महाराज की फोटो दिखेगी। हम लोग बस पूजा करने तो चले जाते हैं कि पूजा करनी है नंदी महाराज की, ये वो, पर बकाया हम लोग ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि हम लोग अब ढोंगी हो चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ ना जितना भोग विलास में हम लोग लगेंगे तो उतना ही हम धर्म को छोड़ते रहेंगे, तो इसलिए धर्म को भी अपनी जगह में रखें, सुबह सुबह थोड़ा बहुत पूजा पाठ करें, थोड़ा बहुत गौ माता के लिए भी सोचें कि कैसे हो पाएगा, आने वाले टाइम में तो गौ माताएं पूरी सड़कों पे आ जाएंगी, जैसे पहले कुत्ते आए फिर गधे आए फिर घोड़े बकरी आए, अब गौ माता भी सड़कों पे आ गई है, आने वाले टाइम में गौ माता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जबकि गौ माता को हम इतनी बड़ी देव वो मानते हैं कि कितने करोड़ 32 कोटि इतने कुछ बताते हैं, कुछ उनका वो होता है निवास होता है, मतलब सबसे, अगर आप गौ माता की पूजा करेंगे तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी आराम से, इतना बड़ा गौ माता का वो है स्वरूप है, और जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है, बस हम उनको थोड़ा सा खाना खिला के हम खुश कर सकते हैं, पर यार हम लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, और नंदी महाराज को ऐसे हम लोग परेशान कर रहे हैं, जगह जगह में उनको मार रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी खालों के संग लेदर के वो बन रहे हैं उपकरण, हमारे बैट जूते, तो लेदर को भी अवॉइड करिए, थोड़ा सा दूध पीजिए, यानी कि दूध नहीं पीजिए, दूध पीजिए, पर यह है कि
और ध्यान दीजिए कि उस गाय जहाँ से आप दूध ले रहे हैं उस गाय का बच्चा है नहीं है, क्योंकि कहीं लोग दूध के लिए चक्कर में बच्चे को मार देते हैं और दूध ही दूध निकालते हैं, उसके बाद जब दूध ख़त्म हो जाता है फिर गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं करता हूँ आप बातों को यहीं पर एंड। और बारिश हो चुकी है बंद, तो थोड़ा सा बाहर जाके करना है मेरे को काम। बस मेरा कहना यही है कि यार थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोग नगर निगम में जो हमारा कूड़ा जाता है हम लोग उसको, एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको रुको रुको, वो देखो गाय का बच्चा अंदर आ गया है, बेचारा भूखा है ना, जिस कुत्ते ने भी इसको छोड़ा होगा ना, उसकी मम्मी कम दूध दे रही होगी तो उसको छोड़ दिया है। दिखाता हूँ मैं आपको, खेत के अंदर आ गया है, रुको अभी फिर साजी आएगा फिर हल्ला करेगा, देखना पर चुपचाप चुपचाप से अपने आप खाता है वो। वो देखो आ गया अंदर, वो आ गया अंदर, गाय का बेबी आ गया, उसकी मम्मी भी वहीं पे खड़ी है। देखो मम्मी को भी छोड़ दिया है ना, मम्मी हड्डी हो गई है तो छोड़ दिया है किसी ने, वो आ गया हमारी बाउंड्री पे खेत पे को चुपचाप से। गेहूं से छोटा है ना तो दिख नहीं पा रहा है, तो देख यार भूख तो भूख होती है, जैसे हमें भूख लगती है सबको भूख लगती है। तो अगर मेरी बात कुछ कुछ लोग भी समझे ना, तो मतलब इतना बड़ा हमें फंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ट्रस्ट को किसी भी, क्योंकि हम लोग भी ऐसे फंड मांगते थे, मैं सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, तो कुछ लोग चिढ़ेंगे भी यार ये ऐसा कह रहा है तो, पर ये ना हमें पैसा ज़्यादा इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात समझ में आए तो हम लोग हर कॉलोनी में 20-25 घर होते हैं, अगर ऐसा कोई ठेले वाला हो जाए जो कि हमें घास सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ला के दे दे, अगर सब लोग वो करें तो वो बिजनेस बन जाएगा, किसी बंदे को बिजनेस भी मिल जाएगा। कोई बंदा घास वाला रिक्शा लेके आएगा और जैसे सब्जी बेचने आता है वैसे ही हम उसको 5-5, 10-10 रुपए देंगे, वो एक एक पूला दे देगा, सुबह सुबह हमारे से पुण्य भी हो जाएगा। और सोच लेंगे कि यार लोगों ने सिगरेट पी ली बीड़ी पी ली या किसी गरीब को दान दे दिया, हम लोग सड़कों पर भी तो बहुत दान देते हैं, तो ये चीज़ें सोच लेंगे। माघ मास का टाइम है तो कुछ सोचिएगा गाइस यार, बस और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मुझे गाय गौ माता और नंदी के लिए ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बेजुबान तो सभी हैं, पर यह कि ना हमारा अस्तित्व तो इन्हीं से है ज़्यादा, फिर खतरे में पड़ जाएगा। तो गाइस बस अभी इन्हीं की बात करता हूँ और लेता हूँ आप लोगों से अनुमति, अब मुझे थोड़ा सा काम करना है, और क्योंकि मेरा जो ये है ऑफिस स्टडी का, इसमें डॉग्स के बेबी रख रखे थे तो इन्होंने ना गंदा वंदा कर रखा है अंदर, सब मुझे ठीक करना है। और दिखाता हूँ आपको, चेयर भी मैंने अपनी उठा के यहाँ पीछे रख रखी है क्योंकि वो लोग अपने दांतों से काट न दें करके। तो गाइस प्लीज़ आप लोग हेल्प करना कि मिशन सक्सेस हो, और सभी लोग विचार करना, सहमत हो तो कमेंट्स प्लीज़ करना, तो कुछ आगे सोचेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर से बात करेंगे। व्लॉग बहुत बड़े हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है इतने लंबे लंबे व्लॉग बनाने में। तो लेते हैं आप लोग से विदा, जय हिंद जय भारत जय गौ माता जय कुमाऊ और जय सनातन, बागेश्वर बाबा को सपोर्ट करते रहना है। देखो फीगो भल्लू भी मज़े ले रहे, इधर फीगो ठंडा लग रहा है, तो फीगो मैंने अपनी टी शर्ट पहनाई थी, और अब हम लोग इनको भी ऊपर छोड़ाता हूँ, चल चलो ऊपर चलो चलो ऊपर ऊपर चलो चल 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 चलो ऊपर चलो 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 इनको भी छोड़ आते हैं ऊपर को। ये देखो फीगो बड़ी खार में है, और फीगो कपड़ा फट चुका है, ठंडा बहुत हो गया, चलिए चले जाओ चलो 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 जाओ। बारिश से मौसम देखो कैसा हो गया है, ये मेरे रॉटविलर डॉग्स हैं, मौसम पूरा खुल गया, देखो दो कबूतर वो बैठे हैं।